बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास के छात्र, हमने ये कविता पढ़ चुके हैं नमन। इसमें हमने कविता पूरी पढ़ चुके हैं और कविता के बारे में हम यहाँ भी लिख चुके हैं शब्दार्थ। देखिए अब शब्दार्थ, परिवाची शब्द और विलोम शब्द, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा रहेगा टॉपिक प्रश्न और उत्तर, ठीक है। और ये क्या है, आपको प्रश्न और उत्तर लिखने का है। तो आज हम देखेंगे कि प्रश्न और उत्तर में प्रश्न क्या है, हमको उत्तर क्या लिखना है, ठीक है बच्चों। हम नतमस्तक हो किसको नमन करते हैं, यानी हम जो है किसको नतमस्तक होकर नमन करते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, हम अपने प्रभु को नमन करते हैं। हम अपने प्रभु को नमन करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब दूसरा प्रश्न कर पढ़ते हैं। प्रभु ने क्या देकर जग को प्रकाशित किया है, प्रभु ने क्या देकर जग को प्रकाशित किया है, यानी प्रभु ने सूरज चांद देकर जग को प्रकाशित किया है। प्रभु ने सूरज चांद देकर जग को प्रकाशित किया है, प्रकाशित। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है, किसने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है, प्रभु ने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है, यानी प्रभु ने हमारा जीवन खुशियों से भर दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ है ये कविता है, कविता को जो है हम कविता को याद करके खाली स्थान को भरना है, ठीक है। कविता याद करें और खाली स्थान भरे, ठीक है। तूने सूरज चांद देकर डैश डैश किया जग सारा, क्या किया उसने, प्रभु ने क्या देकर हमारा जग सारा रोशन किया, प्रकाशित, ठीक है क्या, ठीक है। हाँ, अच्छे सच्चे गुरु देकर डैश बढ़ाया हमारा, क्या बढ़ाया, ज्ञान बढ़ाया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आगे जाएंगे हम सही और गलत पे जो है निशान लगाएंगे, सही और गलत पर निशान लगाएंगे, यानी मार्क ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट है, अच्छे माता पिता प्यार करना सिखलाते हैं, हमारे माता पिता हमको सबसे प्यार करना सिखाते हैं ना, छोटे बड़ों की इज्जत करना, सबसे अच्छे रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहना हर किसी से, तो ये माता पिता हमारे हमें सिखाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ट्रू लिखेंगे, ट्रू मीन्स टी मतलब ट्रू, टम उसका शॉर्ट फॉर्म टी लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब सेकेंड वाला है, सूरज और चांद अंधेरा देते हैं, सूरज चांद अंधेरा देते हैं नहीं ना, रोशनी देते हैं, तो हाँ ये हो गया फॉल्स, तो हम ये एफ का फॉल्स का एफ लिख लेंगे, ठीक है। गुरु से हमें ज्ञान नहीं मिलता, गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, हम पढ़ते हैं, हम जो है जितने नॉलेज जो है गुरु से ही मिलती है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। पक्षियों की चहचहाहट हमें खुशियाँ देती है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू का टी शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है ट्रू। अब और आगे बढ़ते हैं, अब है भाषा ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। तो अब यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी अर्थ से जोड़ो, यानी यहाँ पे हिंदी में दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है, एक दूसरे को उसे जोड़ना है। नमन प्रे जग वर्ल्ड, रंग बिरंगी कलरफुल सूरज सन, चहचहाट चिरपिंग चांद मून, नतमस्तक बोइंग किलकारियाँ स्क्वायरलिंग, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ है हमारे को आगे क्या है, देखिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, यानी समान अर्थ इसके
नाम, ये जो सूरज लिखा है इसका और एक अनेक क्या नाम होता है वो लिखना है यहाँ पर। सूरज तो यहाँ लिखा उन सूर्य, तो यहाँ है फूल। फूल क्या था, फूल का उसका और एक नाम क्या होता, फूल का और एक नाम क्या है, पुष्प। ठीक है, पुष्प। ठीक है, ये आधा शाह है देखिए। ठीक है, पुष्प। प्यार, प्यार का क्या था, बोलिए, चाहत। हमारे माँ बाप हमसे बहुत चाहत करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है अनुस्वार, बिंदी लगाकर लिखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खाली चा दा को, मतलब दा चदा हो गया है, या बिंदी लगाने से ना आ गया, चंदा। ठीक है, चाक बिंदी चन बादा को की मात्रा दा चंदा, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, रंग, रागा रग है, तो रग नहीं बल्कि रंग लिखना, तो रा न गा बिंदी लगा दी तो ये हो जाएगा रंग। क्या हो जाएगा, ये रंग हो जाएगा। है को जो है के साथ दोनों साथ एक बिंदी भी लगाएंगे हम। ठीक है, और ये है बिरंगी, बिरंगी का फिर यहाँ क्या है, बिंदी लगाएंगे, बा को रा, ये बिंदी, ये गा को की मतलब कि बे। ठीक है, रंग बिरंगे हो गया, तो आपका ये मुकम्मल हुआ। मैंने देखो यहाँ पर आंसर्स पूरे लिखे हैं, आप देखिए पढ़िए और अच्छा सा याद करके इसको अपने क्लास वर्क में, अपने क्लास में वन टाइम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका आप लेसन मुकम्मल हुआ ये। अब जो है हम इसको अच्छा सा पढ़िए और वन टाइम अपने क्लास वर्क में लिखें। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।